नमस्कार, मैं जहांगीर आलम, आप देख रहे हैं गोल्ड फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। मैं मोहम्मद सद्दाम, CFM न्यूज में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम मौजूद हैं पर्वतारोहण अमन बरनवाल के पास, जो आसनसोल क्षेत्र के चीनापुरी के निवासी हैं। आज इनसे हम जानेंगे और समझेंगे कि एडवेंचर में इन्होंने अपना कदम किस तरह से रखा। सबसे पहले आप ये बताइए कि माउंट में जो चढ़ने का आपका एक्सपीरियंस रहा, इसकी शुरुआत आपने कहाँ से की? मेरा शुरुआत 2018 में, मेरा शुरू बचपन से ही शौक था कि पहाड़ वादियों में घूमने का, पर मेरा इसके लिए मैंने शुरुआत 2018 के एक छोटे से क्लब था उससे मैंने शुरुआत की थी, बेरो हिल पर, जहाँ पर मैंने बेसिक ट्रेनिंग ली थी माउंटेनिंग की। उसके बाद फिर मैंने 2020 को हरिद्वार के ऋषिकेश में माउंटेनिंग का एडवांस ट्रेनिंग जो होता है क्लब से मैंने लिया था, जिसमें मैंने रिवर राफ्टिंग, रैफलिंग, जिप लाइन, फिर बहुत सारे ट्रेनिंग होता है, फिर जुमेरिंग सब मैंने किया था। उसके बाद मेरे गुरु HAF के तरफ से 2020 के 28 तारीख को मैं यहाँ से केदारकंठा के लिए गया था, जहाँ पे वो उत्तराखंड में पड़ता है, जहाँ पे मैंने 1 जनवरी 2021 को झंडा फहराया था, जहाँ पे हमारा एक नेशनल रिकॉर्ड था, 112 फीट का नेशनल फ्लैग हम लोगों ने होस्ट किया था, जनगण गाया था। उसके बाद हमने बहुत सारे ट्रैकिंग किया। आज उसके बाद मेरा नेक्स्ट प्लान माउंट पतलसू है, जो कि मैं नेक्स्ट मंथ जाने वाला हूँ अपने जन्मदिन के दिन, जिसकी ऊंचाई 4800 मीटर है। आपको ये जो प्रेरणा है ये कहाँ से मिली? मतलब शुरू से आप इसके शौकीन थे कि हाँ हमको माउंट में चढ़ना है, या फर्स्ट टाइम कहीं पे चढ़े थे कोई ऐसा पहाड़? नहीं, मैं बचपन से इसकी शौकीन था। इसका शुरुआत जो है आप कहाँ से किए थे, किसी एकेडमी या स्कूल? हाँ, यहाँ पे हम लोग एक लोकल क्लब था, माउंटेन लव एसोसिएशन, वहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। बेरोविल में, बेरो क्या पड़ता? बेरो आपके आगरा में पड़ता है। अच्छा, इस अचीवमेंट के लिए आपको कहीं से पुरस्कृत भी किया गया? अभी हाल फिलहाल मुझे DM हमने जिला अधिकारी DM साहब श्री बीवी गोयल जी से सम्मानित किया गया, क्योंकि उन्होंने उनको मैंने अपना जो माउंटेनिंग किया था वो दिखाया था, और मुझे जो नेक्स्ट मंथ में जाने वाला है उसके लिए उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया था। नेक्स्ट मंथ कहाँ जाना? माउंट पतलसू। अच्छा, आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? ये मैसेज है कि आजकल बच्चे लोगों से ये बोलते हैं कि पढ़ लिख के सब कुछ होता है, पर हर चीज़ पढ़ाई से नहीं होता है, बहुत चीज़ आजकल खेल कूद में ही बच्चे होते हैं। जैसे मुझे माउंटेनिंग का बहुत शौक था, स्टार्टिंग में मेरे माँ बाप को लगा कि इसमें कुछ नहीं होगा, फिर उनको धीरे धीरे मुझ पर भरोसा हुआ, जब मैंने ये आपका बेरोहिल में किया, फिर हरिद्वार गया, जब मैंने केदारकंठा कर लिया, तो उनके भरोसे हुआ कि इस लाइन में मेरा बेटा बहुत आगे बढ़ सकता है, जिसके कारण आज उनके भरोसे पर मैंने आज एक विश्व रिकॉर्ड भी है मेरे नाम पर, मेरे ग्रुप के नाम पर। और मैं ये संदेश देता हूँ कि आपके बच्चे में जो काबिलियत है उसको, उस चीज़ को हौसला देना चाहिए और उसको सपोर्ट करना चाहिए, बस इसके साथ मैं। आगे आपका क्या उद्देश्य है? चाहता हूँ कि युवाओं को आजकल सब चीज़ में आगे बढ़ना चाहिए, जैसे कि एडवेंचर लाइन हो गया, बहुत सारी लाइन है उसमें बढ़ना चाहिए। अगर किसी को माउंटेनिंग में कुछ मदद चाहिए तो उसके लिए मैं हूँ, और ये चाहता हूँ कि हर एक बच्चा, हर एक युवा अपने देश का नाम रोशन करे, जैसे कि मेरे में अभी जज्बा, अभी मेरा उम्र है, मैं कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आगे जितने सारे युवा हैं, मेरे जितनी उम्र की पीढ़ी के लोग हैं, सब ये काम करें, अपना देश, अपने देश का नाम विश्व में ऊंचा करें। आपका बेटा जो पर्वतारोहण में नाम रोशन किया आप लोगों का, तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत आनंदित है। आज बेटे का कार्य से जो है हमारा सर पर से ऊंचा है, उसके काम से हम लोग पूरा परिवार जो है आनंद है और बहुत खुशी है। हम चाहते हैं कि बेटे जो है और दूसरे युवाओं को भी प्रोत्साहित करें, उसके इंस्पिरेशन से और भी युवाओं जो है इसमें भाग ले और ऐसा अच्छा काम करके देश का नाम रोशन करें। शुरुआत में जब आपके लड़के ने आपसे कहा, या फिर आपने अपने लड़के से कहा कि पर्वतारोहण मतलब करना है या पहाड़ में चढ़ना, माउंटेनिंग करना है, ये सब चीज़ मतलब आप उसको गाइड किए या वो आपको बताया था? नहीं, शुरू में तो बेटा हमको बोल रहा था कि भाई ऐसा सब बात है, तो हम लोगों को कोई जानकारी नहीं था, तो हम लोग उसको इग्नोर करते रहे। लेकिन उसके बाद देखें कि एक बार, दो बार, तीन बार, जैसे जैसे वो अपना लक्ष्य हासिल करता गया, तो धीरे धीरे हम लोग भी जो है काफ़ी गर्वित हुए। हमारे साथी संगत, हमारे जितने दोस्त लोग बोले कि भाई बहुत अच्छा काम कर रहा है आपका लड़का। और ये पिछला साल जो है हम लोग कोरोना का टाइम में भी जो है बहुत ज़्यादा लोगों को सेवा किए थे,
के बाद जो हमारे डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर साहब को मालूम आगे किस रूप में देखना चाहते हैं अपने लड़के को? हम चाहते हैं कि बेटा मेरा जो है अपना पश्चिम बंगाल का नाम पूरे विश्व में रोशन करे। आज लोग अमन बनवाल को यहाँ चीनापुरी में जान रहे हैं, हम चाहते हैं कि मेरा बेटा का वजह से पश्चिम बंगाल का नाम पूरे दुनिया में लोग जाने। मेरा नाम गोपाल लाल बनवाल है, हम एक साधारण व्यक्ति हैं, छोटा मोटा मेरा दुकान है। कैसा महसूस कर रही हैं आप, बेटा जो है इस तरह से नाम रोशन कर दिया है, आप ये चीज के बारे पहले कभी सोचे थे कि इस तरह से होगा? नहीं, मैं तो कभी सोची नहीं थी, लेकिन बीच बीच में बोलता था मैं पहाड़ चढ़ूंगा, माउंटेनिंग करूंगा, तो मैं डर जाती थी कि पता नहीं तुम कर पाओगे नहीं कर पाओगे, तो ये बोलता था मैं करूँगा तुम एक बार साथ दो। तो शुरू शुरू में इसने बेड़ो पार जो आद्रा में है उसको करके आया था, तो वहाँ का बसे बताया तो मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा। उसके बाद आगे इसने बोला मैं हरिद्वार जाऊँगा, तो अपने वो एडवेंचर दो के साथ गया था, तो वहाँ भी इसने ट्रेनिंग वगैरह जो किया था माउंटेनिंग, तो आने के बाद बहुत अच्छा लगा। आने के बाद तीसरे बार बोला मम्मी फिर मैं भी जाऊँगा, तो हम लोग का भी हौसला बुलंद होने लगा, तो ये गया उधर से फिर आया तब भी बहुत अच्छा लगा। जिसने वो किला कांटा में 12,500 फीट 112 फीट का तिरंगा लहराया था। मेरा नाम संगीता बनवाल है, मैं चाहती हूँ वो आगे बढ़े और अपने देश का बंगाल का और चिन्ह कोई क्षेत्र को रोशन करे।